mane, papucha mane. यही तो उन्हें तारा फिर भी बहुत कर गए हम लोग उनके खाम रात के बाद में कोई बात नहीं है अपने हाथन के बारे बार फाट डाल रही अपने दगड़ी बात से रिपोर्ट डाल रही में कोई रिपोर्ट दिया आपने हाँ दी है कब उसी दिन उसी दिन फिर क्या हुआ आप बताओ आपको क्या दिक्कत है साथ में कोई दिक्कत नहीं है कोई आप लोग को कोई दिक्कत नहीं है खड़ी सा दिक्कत नहीं है पुलिस ने कोई कानून कार्रवाई नहीं की वहाँ क्या आपके साथ क्या हुआ दत्तू को फेर मारी 24 तारीख को पसीना जा रही थी भान चवान पप्पू चवान ने तो इनने दो फेर करी इनने गाड़ी की ज्यादा स्पीड पकड़ ली भान चवान पप्पू चवान फायरिंग की तो दद्दू अपनी जान बचा के भाग बसीला निकल गए बसीला से लौटते समय आए फिर नए नए आके गाँव में यहाँ में मारपीट करी गाँव में आके वो सब गाँव में रह रहे हैं गाँव में कोई दिक्कत नहीं है नहीं फरार है सारे लोग रह रहे हैं फरार है भाग गए डेरे में अपने यहाँ भाग गए कौन कौन फरार है पूरे चमार के फरार सब फरार है सब बेब गुरब हो गए चमार और कोई बताएगा कुछ तुम्हारा क्या नाम है नाम है सर मेरे ऊपर तो फारूक है नाम क्या है मॉन्टू सही नाम प्रहलाद चौबीस तारीख को जब मैं घर से वसीला स्टैंड आ रहा था तो मतलब ये भान चौहान ने पप्पू चौहान ने मतलब गांव से 1.5 किलोमीटर दूरी है जहां पर सबसे पहले पप्पू ने फायर किया है मतलब 315 से तो मोटरसाइकिल ली थी मासा प्रधान वाली तो ऊपर से फायर निकल गए हमने गाड़ी नीचे लटा दी तो फिर भान ने गोली मारी तो 12 की गोली ऊपर से निकल गई तत्काल हम जब वहाँ नहर के पास आ गए हमने 100 नंबर पर कॉल की तो 100 नंबर आध घंटे में आई 12:34 तब उनके घर गए तो 100 नंबर लोकेशन ली तो वहाँ पर सारे लोग नहीं थे वे लोग और फिर इसके बाद थाने में हमने तहरीर दी 24 तारीख को तो थाने से अफसर यादव जी हैं SI वो भी पहुँचे तो उन्होंने भी यही मतलब जानकारी ली तो उनको भी यही जानकारी हुई है क्या जानकारी हुई मतलब जिस 7 बजे से दोनों लोग गायब हैं लीलाधर साहू मरवाना चाहता सर 3 बार मरवाने की कोशिश की है मतलब ये 15 दिन पहले आसम प्रधान का भैया है अर्जुन कोटीदार पहाड़ी वाला बसेला स्टैंड को उसने बचाया है हमीरपुर में मारिया लगाए हमीरपुर में जाड़े में मारिया लगाए लीलाधर साहू ने तो हमीरपुर से 3 गाड़ी लगी पीछे पीछे तो वतन से बाल बाल बची झूठे मुकदमा लगा रहे हैं सर ये हमारी बच्ची की शादी नहीं करने दे रहा है हम लोगों ने खेतों में शादियाँ की हैं गांव की जनता और सर अगल बगल गाँव से पूछ लीजिए कि हम लोग अगर इस प्रकृति व्यक्ति हैं तो हाँ हम मानते हैं कि अगर ऐसे हैं तो हमको केस लगाया जाए फिर हमने 3 दिन से खुद खाना नहीं खाया कि ऐसे झूठे इल्जाम लगा रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताज़ा न्यूज़ चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं।